नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन ट्रेडर में। और आज 29 अगस्त को मैं आपके लिए एक ऐसी पिक लेके आया हूँ जो आपको अगले 1 से 2 सालों में माला माल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने थंबनेल में ही लिखा है, कंपनी ऐसी है जिसका हर क्वार्टर दर सेल्स इंक्रीज होती जा रही हैं, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। भाव मात्र 50 रुपया, टारगेट 500 रुपया 1 से 2 सालों के अंदर अंदर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आपको कंपनी का नाम बताता हूँ। कंपनी है दोस्तों मोरेपेन लेबोरेटरी, और क्या फंडामेंटल रीज़न है, क्या कारण है, उसको मैं आगे आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँ। आपके घर में ऑइंटमेंट, कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई हेल्थ केयर का प्रोडक्ट इस कंपनी का ज़रूर पड़ा होगा। चाहे वो बीपी नापने की मशीन हो, चाहे वो ऑक्सीजन लेवल नापने की मशीन हो, चाहे कोई ऑइंटमेंट हो, चाहे कोई एंटीबायोटिक की कोई दवाई हो, उस टाइप की ये कंपनी है। और इसने दबा के प्रॉफिट बनाया है पिछले 1-2 सालों में। खूब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिके हैं, खूब हेल्थ केयर के प्रोडक्ट अच्छे खासे बिके हैं। और आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रहेंगी और लोगों का हेल्थ केयर अपनी हेल्थ के प्रति जो रहेगा रुझान, लोगों का ध्यान जो बढ़ा है कि भाई पैसा सब कुछ नहीं है, जान है तो जहान है, ये कोविड ने सबको सिखा दिया है। वही कारण है कि कंपनी ने दबा के प्रॉफिट बनाया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए आप, फिलहाल कंपनी एवरेज क्वालिटी की कंपनी है और टोटल जो 160 कंपनी है फार्मा सेक्टर की, उसमें 42 नंबर पर इसकी रैंकिंग है। और ये आगे आने वाले टाइम में ऊपर ही होती जाएगी, क्योंकि ये इसके नीचे थी पहले। और मैं इसको 25-26 रुपए पे ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ। ये स्टॉक वीडियो में दूसरी बार बना रहा हूँ इसकी, और इसको फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ। टारगेट क्यों है ऐसे, आ जाइए। पिछले 2 साल में दोस्तों कंपनी ने 218.96% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो 91.03% का रिटर्न दिया है। बट इतनी छलांग लगाने के बाद 6 महीने में 79.21% का रिटर्न देने के बाद कंपनी पिछले 2 से 3 महीने में कंसोलिडेशन पीरियड में है। 65-66 तक जाने के बाद अभी थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है, जो 50 रुपये पर ये अवेलेबल है और एक बेहतरीन मौका है इन्वेस्ट करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये है कंपनी की नेट सेल। जून 2020 वाले क्वार्टर में 257, सेप्टेम्बर 2020 में 336, दिसंबर 2020 में 307, मार्च 2021 में 286, अगेन जून 2021 में 386। तो नेट सेल्स हर बार इसकी बढ़ी हैं, और आप देखेंगे प्रॉफिट में भी किस प्रकार इजाफा हुआ है। 19 करोड़, 27 करोड़, 23 करोड़, 26 करोड़, 30 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और असली जो रिज़ल्ट निकलता है दोस्तों कंपनियों का, वो एनुअली देखा जाता है। तो आप एनुअली जहाँ रिज़ल्ट देखेंगे नेट सेल्स में, आपके आँखें खुली रह जाएंगी। 2017 में नेट सेल्स जहाँ पे 595 करोड़ की थी, 2018 में जहाँ पे 606 करोड़ की थी, 2019 में जहाँ 768 करोड़ की थी, मार्च 2020 में जहाँ 853 करोड़ की थी, वहाँ मार्च 2020 में एक सिग्निफिकेंट जंप है 1188 को। तो दोस्तों किसी भी साल दर साल अगर आप इसका प्रॉफिट देखेंगे, वो आपका बढ़ता हुआ ही दिखेगा। वहीं आप कंसोलिडेट प्रॉफिट की बात कर ले तो उसमें आप देखिए कितना जंप है। मार्च 2020 में 33 करोड़ था, मार्च 2019 में 28, और जो कि मार्च 2021 एनुअल रिजल्ट जो निकल के आया उसमें ट्रिपल टाइम इसने प्रॉफिट दिया है, 97.09 करोड़। तो ये तो दोस्तों कंपनी धमाका कर रही है। 2022 के मार्च में भी आप देख लेना क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी को आपको इतना ही देता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, इसको बाय कीजिए और 2 साल में माला माल बनिए। जीटी का आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच।